नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरके गाइड में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप अपने YouTube वीडियो पर जो कॉपीराइट क्लेम आता है आप उसे कैसे रिमूव करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कॉपीराइट क्लेम रिमूव करने के लिए बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। जी हाँ गाइज, अगर गाइज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने वीडियो से ही कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो गाइज मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि आप कैसे कॉपीराइट क्लेम रिमूव करेंगे आप अपने वीडियो से। तो गाइज आपको क्या करना, सबसे पहले अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यूट्यूब ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर से। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब ओपन हो गया है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूसरा चैनल पर आ गया हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद योर चैनल पर क्लिक करना है। गाइज आपको योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आप मैनेज वीडियो पे क्लिक करेंगे। मैनेज वीडियो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब नॉन है और यहाँ पर दो वीडियो ऐसा है जिस पे लिखा हुआ है कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट क्लेम। तो गाइज इसका हम कॉपीराइट क्लेम यहाँ से हटाएंगे। तो आपको सी डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नो इफेक्टेड पब्लिक। तो गाइज किसी भी तरह के ये अफेक्टेड नहीं है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एलिजिबल। तो गाइज आपको नीचे आना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं बरसात की धूम। तो गाइज इसी सॉन्ग के कारण, जो जतिन नोटियाल का है, इसी सॉन्ग के कारण यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम जो है पूरे वीडियो में दिया गया। तो गाइज इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, एक्शन सेलेक्ट, सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करना है गाइज आपको। तो गाइज यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपको मिलता है देखने। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक म्यूजिक को ले लेना है। ये जो म्यूजिक है गाइज, ये वाला जतिन नोटियाल का बरसात की धूम, इसी कारण, इसी सॉन्ग के कारण उसमें कॉपीराइट क्लेम आया है। तो चलिए हम एक अच्छा सा लगा देते हैं इसमें। तो गाइज आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर नीचे ऐड हो गया है। ऐड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है गाइस। तो चलिए हम फिर से सेव पे क्लिक करते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है इसे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकिंग। तो गाइस यहाँ पे चेकिंग चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ये कॉपीराइट क्लेम हट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडी में प्रोसेस चल रहा है गाइस, प्रोसेस ही। तो आपको वेट करना है यहाँ पे कुछ सेकंड। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग हो गया। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन आ गया है लिखा हुआ। तो गाइस आपने अभी तक अभी देखे, तो गाइज अभी आपने देखे कि कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीके से मैंने कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर दिए हैं और यहाँ पर नॉन आ चुका है। तो गाइज इस तरह से आप भी अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही बचा है कॉपीराइट क्लेम। तो चलिए गाइज हम इसे भी रिमूव करके देखते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आपको कहना, इस पे आने के बाद आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो गाइज ये देख लीजिए, ये जो आपका वीडियो है इसमें 30 सेकेंड का जो है लिया गया है, इतना गाइज इसमें ये सॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करेंगे गाइज। जैसे ही आप रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब का जो ऑडियो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक किया, यहाँ पर यूट्यूब का जो है ऑडियो लाइब्रेरी खुल चुका है। तो गाइज आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं फ्री म्यूजिक। तो गाइज ये फ्री म्यूजिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो में और आपके वीडियो पर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक ले लेते हैं, एक गिटार हाउस, इसे ही हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद गाइज ये प्ले होंगे, आप सुन सकते हैं इसको, ये देख लीजिए। तो गाइज आप सुन सकते हैं, सुनने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग
तो गाइज ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो गाइज आपको इंतजार करना है कुछ सेकंड, तो चलिए हम इंतजार कर लेते हैं इतना में। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपीराइट क्लेम था वो रिमूव हो गया है। तो गाइज इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने वीडियो पर लगे हुए कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला जो रहेगा ट्रिम करेगा कट का, दूसरा रिप्लेस सॉन्ग का, और तीसरा तो आप देख ही लिए वहाँ पर म्यूट सॉन्ग का। तो गाइज आप इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी वीडियो पर लगे हुए कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सके। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।